बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अचारी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो कि हम सरसों के तेल में बनाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अचारी बाहर जैसे तैयार होगी। तो बहुत कम मसालों के साथ, और होम जो है ना, घर में जो बने हुए मसाले होते हैं तो वो उसके साथ मैं बना रही हूँ। तो ये मसाले जो हैं आप लोग देख रहे हैं, सौंफ लिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर, साबुत धनिया लिया मैंने 1 टेबल स्पून भरकर, 1 टीस्पून भरकर मैंने जो ना मेथी दाना लिया है, राई दाना जो होता है ये भी 1 टीस्पून लिया है, ज़ीरा भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा 3 से 4 जो ना 5 ये साबुत मिर्चें हैं, इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। इधर आ जाते हैं हम अपने, मतलब जो ना क्या कहते हैं, चढ़ाने के लिए हमने क्या करा है, एक पतीली ले ली और उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि आपको पता है सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इधर आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। ये देखें, मसाले मैंने जो ड्राई रोस्ट करते हैं उसे इस तरीके से पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। अब मैंने इसमें कलौंजी नहीं डाली थी, तो कलौंजी जो है ना मैं डाल लूँगी इसके अंदर, क्योंकि कलौंजी मैंने पीसी नहीं थी। इस तरीके से ये देखें कलौंजी हमारी मिक्स हो गई है। अब हम अपने इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। तो हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर, बाकी वही टोटल कॉमन मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जा रहे इसके अंदर, घर के ही बने मसालों से बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हल्दी डालेंगे हम तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे, और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। अपना गरम मसाला भी डाल दिया मैंने, और अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखें बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा अचारी मसाला घर में बनके रेडी हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है आपको, बिल्कुल बाहर जैसा लुक है इसका, बाहर जैसे ही जायका होगा, बाहर से भी ज़्यादा बल्कि अच्छा जायका होगा जो हम घर में बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा होता है। तो बस अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। देखें सरसों का ऑयल हमारा गरम हो गया अच्छे तरीके से, और अब हम क्या करेंगे, अपनी चिकन डालेंगे इसके अंदर। 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, ये 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है, इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। चिकन हमारी थोड़ी सी भून गई है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और चलाएंगे अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने जो है 4 से 5 टमाटरों का पेस्ट लिया है, और ये देखें साथ ही मैंने 4 से 5 टमाटरों का पेस्ट ले लिया। मैं कटे हुए नहीं डालती इसमें पेस्ट डालती हूँ, और मैं झटपट बनाती हूँ, कोई मैं ये अलग अलग नहीं करती, टाइम भी बच जाता है। और ये मेरे पास दही थी तो फ्रीज़र हुई हुई थी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया ताकि इसके जो लम्स होते हैं वो ना आए, तो ये थोड़ी सी पतली हो गई। बहरहाल हमें तो फर्स्ट डालना है, इसमें हम कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हीं चीज़ों से हमारी ये चिकन अच्छे तरीके से गलेगी। ये देखें सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, आपको पता है चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है तो इतने झंझट में नहीं पड़ती मैं। साथ ही हम अपने मसाले डालेंगे, तो हम इसमें से तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अपना मसाला बचा लेंगे, और बाकी हम सारे मसाले डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें ये इस तरीके से मिक्स करके, और अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, हल्की पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा दही का और टमाटर का पानी अभी जो और मज़ीद निकलेगा इसी में हमारी चिकन पक जाएगी। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, बस कवर करके 15 से 20 मिनट बाद में। चलिए देखें हमारे चिकन अचारी की ये इस वक्त पोजिशन है, बगैर पानी डाले हमने इसको 10 मिनट के बाद में देख रही होंगे। तो हमारे ये गैस असल में हल्की आ रही है थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है, 10 मिनट के बाद में देख रही हूँ। इतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं अपने आगे प्रोसेस की कि हमें क्या करना है। ये देखें ये जो हमने मसाला बचाया था 2 टेबल स्पून के करीब अपना चिकन अचारी का, और साथ में मैंने ये 4 से 5 जो ना वो हरी मिर्चें मोटी वाली ले ली, और उसको इस तरीके से बीच में से मैंने कट लगा लिया। अब हमें 1 लीमू का रस चाहिए होगा, हम इसके अंदर डालेंगे और अपना मसाला तैयार करेंगे। ये देखें जी, लीमू के रस से हमने मसाला बना लिया, और मैंने 1 टेबल स्पून ये वाला भर के इसमें 1 चम्मच पानी का डाला है ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब हम मसाला अपनी मिर्चों में भर लेंगे इस तरीके से, तो नॉर्मली सबको पता है कि किस तरीके से मसाला भरना है मिर्चों में, इस तरीके से भर के, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, और ये तेज़ वाली नहीं है हरी मिर्चें, ये नॉर्मल जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इनके बीज बीज नहीं निकाले। अगर आप लोगों के पास स्पाइसी हो बहुत ज़्यादा तो आप बीज निकाल लीजिएगा। बस इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों मसाला भरूंगी।
मिर्चों में मसाला भरने के बाद ये मेरे पास कुछ मसाला बच गया जिसमें नीम का रस हमारे मिला, ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। ज़रा अच्छे से ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और साथ ही अब हम अपनी हरी मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर, और जो है क्या कहते हैं ये देखें हरी मिर्ची डाल रहे हैं, और इसको अब हम दम पे रख देंगे क्योंकि हमें इसका शोरबा तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, बस इसी इसमें इसमें जैसे ही ऑयल ऊपर आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हमारी चिकन अचारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलिए देखें हमारा मज़ेदार सा चिकन अचारी बनके बिल्कुल रेडी हो गया, और देखें बिल्कुल बाहर जैसे जैसे पकवान स्टाइल में होता है ऐसी ज़बरदस्त कलर खुशबू इतनी मज़ेदार सी अचार की आ रही है कि आप बिलीव करें कि इस चीज़ में कि आप जो बाज़ार का मसाला इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर घर में मैंने ये आपको सिखाया है। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार दिया करें कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।